अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सुबह के बज रहे हैं अभी 10:15 और जैसे मैं स्कूल चली जाती हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। 6:30 से 9:30 या फिर 9:15 तक मैं रेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ना आजकल ऐसा हो रखा है सर जो है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगा है, तो इस वजह से मैं जब रेस्ट करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेश हो गई, फिर अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना दिया है मैंने। देखिए ब्रेकफास्ट बना दिया है तो अभी कब 5 महीने का होना वो वहाँ 2-3 महीने वहाँ कर बोले रहे थे, अब 3 महीने नहीं कर रहे। अजमा सैंडल पहन ले। जाएंगे अब 1-10 मिनट। चलो अम्मा वैन वाले पास छतरी हमारी पकड़। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम लोग निकलने वाले हैं, अजमा का आज पीटीएम था तो हम सब जा रहे हैं तो आज जाना ज़रूरी था। वैसे सच बताऊँ ना तो मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन अजमा के पापा ने कहा कि पीटीएम है तो पेरेंट्स दोनों ही होते हैं तो दोनों ही जाना पड़ेगा, तो इस वजह से जा रही हूँ। वरना मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मैं नहीं जाना चाहती थी बट फिर भी जाना पड़ रहा है। यहाँ पर अजमा के पापा जब भी कैमरा ऑन देखते हैं ना तो इस तरह से मस्ती करते हैं कि उनको लगता है कि मैं यहाँ पर कट कर दूंगी, बट मैं डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा आप भी इंजॉय कर सको। तो बस यहाँ पर अभी निकल रहे हैं हम लोग, तो चलिए चलते हैं। बस अभी जा रहे हैं घर। घर जाते हुए अजमा के पापा ने पूछा कि क्या बनाने वाली हो ब्रेकफास्ट में, तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं जाते हुए हम यहीं पे करके जाते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है यहीं पे करके ही जाते हैं। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, कुछ भी खा के चले जाएंगे घर। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अजमा के पापा ने टमाटो वाला उत्तपम मंगाया था, मैंने ऑनियन वाला मंगवाया था क्योंकि हमें अलग अलग देखना था टेस्ट। तो यहाँ पर ना अजमा के पापा ने कहा कि एक काम करते हैं इसको हाफ हाफ में डिवाइड करके दोनों, मतलब दोनों ही टेस्ट कर लेंगे दोनों लोग। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए थोड़ा सा छोटा करना क्योंकि उनको ऑनियन वाला जो है वो नहीं पसंद है, तो वो वैसे टमाटो वाला ही दोनों ही मंगवाने वाले थे। फिर हमने प्लान किया कि दोनों एक एक मंगवा कर देखते हैं, तो फिर उन्होंने कहा मुझे छोटा सा पीस देना मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर हम एक थोड़ा थोड़ा जो उत्तपम है वो आधा आधा करके इस तरह से शेयरिंग करके खाएंगे तो दोनों ही टेस्ट पता चल जाएगा।
तो यहाँ का जो उत्तपम है वो काफ़ी टेस्टी था, अच्छा लगा मुझे। वैसे यहाँ पर गोवा में ज़्यादा करके साउथ इंडियन जो है ना अच्छा नहीं मिलता है, तो हमें थोड़ा सा डाउट रहता है, कहीं पे भी जाओ हम लोग डाउटफुल रहते हैं कि अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर अच्छा मिल गया था। फिर यहाँ पर उत्तपम खाने के बाद हमने कॉफ़ी मंगवा ली थी, तो कॉफ़ी ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही कड़वी थी, तो हजमा के पापा ने यहाँ पर चीनी मंगवाई थी, ताकि वो चीनी भी थोड़ा सा लें, वैसे वो घर में जब कॉफ़ी चाय बनती है तो बगैर चीनी के पीते हैं, तो फिर बस यहाँ पर अभी मंगवा ली थी क्योंकि वो काफ़ी कड़वी थी। तो साथ में यहाँ पर हम दोनों वो बोल रहे थे कि तूने फिर से डाल ली ना, तो मुझे ना कॉफ़ी चाय थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी सी डाल ली है, तो वही बोल रहे थे कि मतलब मैंने नहीं देखा तो तूने डाल दिया, कुछ इस तरह से बातें हमारी हो रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग घर पहुंच गए हैं, अभी जस्ट आए हैं। हम लोग घर से यहाँ से निकले थे 8:05 थे तब हम लोग निकले थे, अभी 10:00 एग्जैक्ट 9 बजे, अभी 2 से 3 मिनट बाकी रहते हैं। तो पूरा घर मैंने तहस नहस करके निकली थी, मतलब सुबह का टाइम था, सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ कर निकले थे, तो अभी घर को समेटना है, तो जल्दी से आप लग जाते हैं फिर ड्यूटी पर, सारे कामों को करना है, तो चलिए अपना काम शुरू कर लेते हैं जितना जो हो सकता है। और अजमा ने टीचर्स के लिए कुछ पेन वगैरह मंगवाए थे क्योंकि कल टीचर्स डे है, तो वो भी साथ में लेते हुए आए हैं। और साथ में हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बाहर ही हो गया, जब हम बाहर गए ही थे तो फिर मैंने कहा कि चलो यहीं से ब्रेकफास्ट करके ही जाते हैं वापस घर, फिर जाकर बनाना इससे अच्छा है, क्योंकि ये भी लेना था। तो पहले तो अपने घर के हुलिये को सही कर लेते हैं, फिर बाद में आगे देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा के टीचर्स के लिए अजमा ने ये जो गिफ्ट्स हैं वो पैक करवाए हैं, और हर साल ही हम कुछ ना कुछ टीचर्स के लिए इस तरह से एक समझ लीजिए अजमा की तरफ से वो प्यार होगा, इसको हम इस तरह से टीचर को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टीचर को एक मतलब टीचर इतने एफर्ट्स लगाते हैं, हमारी तरफ से भी उन्हें कुछ ऐसा प्यार दिखाना चाहिए ताकि वो मतलब वो दिन उनको स्पेशल लगे। तो इस वजह से हम अजमा के जो भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके लिए ये ट्यूशन टीचर के लिए बनाया हुआ है, अजमा का ये ट्यूशन टीचर का है, और ये जो है अजमा की क्लास टीचर के लिए उसने ये बनवाया है, और ये कुछ मंगवाया था उसने वो है। और यहाँ पर अगर मुझे इसका पिक्चर मिल गया तो मैं दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए ये जो है पेन्स हैं सारे, ये पूरे ही सेम हैं, इसको छोड़कर ये जो है थोड़ा सा अलग है, ये भी सेम ही है वैसे थोड़ा सा अलग है, बाकी सब चीज़ें सब पेन जो है सेम है, कलर्स थोड़े से अलग है। इस तरह से हमने यहाँ पर अजमा के टीचर्स के लिए किया है, ये टीचर्स के लिए प्यार दिखाने का तरीका समझ सकते हैं आप इसको। बस इसको हम इसको उठा कर रखूँगी मैं, जब स्कूल से वो आएगी ट्यूशन जाएगी तब ये देगी, बाकी जो है वो बैग में डाल देते हैं। तो यहाँ पर ना आजमा ने मुझे एक टीचर के लिए जो पेन है वो ब्लैक कलर में निकाल के पैकिंग करवाई थी, तो सारे ही सेम है, तो मैंने वो जो लेबल होता है उसके पीछे टीचर का इनिशियल लिख दिया था, तो इस वजह से मैं सेपरेट कर रही थी, क्योंकि उसको पता चल गया था टीचर का फेवरेट कलर कौन सा है, तो इस वजह से उसने सेपरेट करके उसको पैकिंग करवाया था, तो ताकि मैं उसको अलग रखूँगी तो वो अलग से देगी, इस वजह से मैंने उसको साइड में रख दिया है।
जब हम पेन ले रहे थे तो वहाँ पर मुझे एक पेंसिल दिखी थी जो कि डायरी के साथ में छोटी सी अटैच थी उसके साथ में डायरी, तो अजमा को मैंने ला कर दिया। तो अजमा वही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है डेली का जो भी होमवर्क रहेगा मैं उसमें लिख कर लेकर आऊँगी, क्योंकि उसको भूलने की आदत है तो वो याद रहेगा, तो मुझे वही वो एक्सप्लेन कर रही थी। देखिए फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और आज हमारे घर में बनने वाली है करी, जो कि फ्राउंस करी बनाने वाली हूँ, झींगे की करी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए क्या क्या लगेंगे यहाँ पर चीज़ें मैंने सब तैयार करके रखी है, तो वो आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए हम इस तरह रेसिपी में क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर झींगे की कड़ी के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 100 ग्राम झींगे, जो कि छोटे साइज में, बहुत बड़े नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है जिसको कि मैंने इतने टुकड़ों में चॉप कर लिया। इसके बाद मैंने लिया है कच्चा नारियल, इसको धोकर निकाल के रख लिया, तकरीबन ये 100-150 ग्राम के करीब है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इनको रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पर कुछ लाल सूखी मिर्चें, जैसे मैंने इनको धोकर रख लिया है, तकरीबन ये 6 लाल सूखी मिर्चें मैंने ली है। इसके अलावा यहाँ पर धनिया लिया है, तो ये धनिया, टमाटर और सूखी लाल मिर्च नारियल के साथ हम पीस लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, ये बीन्स जिसको कड़ी वाले बीन्स बोलते हैं, पता नहीं मुझे इसका नाम क्या है, ये कर्नाटक में भी मिलते हैं और गोवा में भी मिलते हैं, तो मैंने कर्नाटक में देखा है और गोवा में भी ये मिलते हैं। काफ़ी खुशबू होती है इसमें और कड़ी में एक अलग फ्लेवर और अलग खुशबू देगी। तो यहाँ पर मैंने 2 भिंडी ली थी, उनको इस तरह से चीरा लगा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चीरा लगा दिया है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज लिए जिनको रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर नमक लिया है और हल्दी लिए। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए नारियल, मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें पीसनी है, ये साइड में कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो आमचूर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आमचूर बोला जाता है इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं बाकी और जगह पे, तो ये जो है इसमें इसको डालना मस्ट है, क्योंकि ये जो कड़ी है इसका टेस्ट, जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है वो एक और ही लेवल पर लेकर जाता है। तो इसको ज़रूर से डालिएगा, इसको और ये जो बीन्स है ये पता नहीं अब दूसरे और जगह पे मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता। बस मैंने इसको हुबली में पहली बार ख़रीदा था, फिर बाद में जब मुझे गोवा में तो ये आसानी से आपको मिल जाएंगे हर जगह पे, और बस ये सुखाना होता है तो कच्चे से मिलते हैं, मतलब ग्रीन बीन्स होते हैं, उसको सुखाने के बाद कुछ इस तरह से हो जाते हैं और ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। इसको रख देते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम नारियल डालेंगे, जितना मैंने नारियल लिया है, और हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। अब यहाँ पर हम डालेंगे टमाटर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि हमारा जो जार है वो छोटा पड़ जाएगा, इस वजह से मैंने जार चेंज कर दिया। अब हम इन धनिया को, टमाटर, सूखी लाल मिर्च और यहाँ पर हमने डाल दिए हैं सूखा धनिया और नारियल, इन सारे चीज़ों को हमें पीसना है। तो अब ये जो है सारे तड़के में यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें साइड में रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा लहसुन का जो बंच होता है वो मैंने लिया है, तो आधा है ये, पूरा नहीं है, तो इतना हमें लेना है, तो ये भी छील लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लहसुन छील लिया है, तो इसको डालेंगे और हम इसको अच्छा बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये जो बारीक फाइन जब हम पेस्ट बनाते हैं तो नारियल इसमें डाला हुआ ऐसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, यानी कि इतना हमें बारीक फाइन पेस्ट बनाना है। तो चलिए इसको पीसते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल डाल दिया था, ऑयल में मैंने डाल दिया है हरी मिर्च और प्याज को, अच्छे से पिंक थोड़ा सा फ्राई करना है, सॉफ्ट कर लेना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो पिंक हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे आलू। हमारे आलू जो है हाफ कुक हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे भिंडी जो हमने काट के रखी है वो, और इसी के जो हल्दी हमने वो, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। अब यहाँ पर जो मसाला हमने पीसा हुआ था वो डाल देते हैं। देखिए इस कड़ी को हम जितना हमें थिक थिन जो भी करना है तो अब यहाँ पर रख सकते हैं। तो
उबाल आने से पहले जो हमने यहाँ पर कड़ी के लिए निकाला था आमचूर और जो बीज मैंने आपको बताया था वो डाल देंगे। इसे उबाल आने देंगे, एक उबाल आ जाए तो हमने जो झींगे लेकर रखे हैं जो, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल्का सा एक उबाल आने लगा है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो भी झींगे मैंने लिए थे वो यहाँ पर झींगे डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर बीच वाले गैस पे मैं रख दूंगी। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम मच्छी को फ्राई करेंगे, एक साइड में हम रोटी बना लेंगे। अब यहाँ पर हम चावल का आटा लेंगे 2 चम्मच, इसी के साथ में यहाँ पर सूजी ले रही हूँ और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पर इस तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मच्छी को जो है ढक के फ्राई करती हूँ, क्योंकि ना मच्छी के छींटे उड़ जाते हैं, घर में साफ सफाई हुई होती है तो किचन गंदी हो जाती है इस वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो थाली है वो बन के तैयार हो गई है, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर यह है झींगे की कड़ी, यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं, ये फ्राइड मच्छी है और यहाँ पर ये केकड़े का सूखा है। मैंने ये रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, तो हमारे घर में तो ये खाते हैं, इस वजह से अजमा का फेवरेट है तो बनाया है, तो मैंने सोचा चलो थाली में लगा लेते हैं काफ़ी। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी और मेरा ये जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को खास करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कॉमेंट करके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, जब आप कॉमेंट करोगे मुझे मोटिवेशन मिलती है, हमेशा कहती हूँ, तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।